नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन में आज की खबरों को देखते हैं। मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी पृथक विंध्य क्षेत्र की मांग को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं और इस पर सियासत जारी है। वे शुक्रवार को अमरपाटन पहुंचे और यहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र से सबसे ज्यादा राजस्व मध्य प्रदेश को मिलता है। यही वजह है कि अगर विंध्य प्रदेश अलग से बनेगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अमरपाटन पहुंचे। इसमें पृथक विंध्य प्रदेश हमारा हमें लौटा दो की मांग को लेकर अमरपाटन सतना रोड सिद्धार्थ ITI कॉलेज में युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान विधायक ने युवाओं को बताया कि 25 मार्च को BTI ग्राउंड में विंध्य की मांग को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी युवा भाग लें, जिससे कि अपना विंध्य प्रदेश 2023 में बन सके और युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। विधायक ने कहा कि विंध्य क्षेत्र सबसे ज्यादा आय देने वाला है, इसके बावजूद विंध्य की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंदोलन शहडोल, सिंगरौली, रीवा और भोपाल तथा दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें सभी युवा भाग लें, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। पुनर्निर्माण के लिए आज मैं पाटन में तमाम छात्रों के बीच में, यहाँ के व्यापारी भाइयों के बीच में आया हूँ कि 25 तारीख को BTI ग्राउंड सपना में 11:30 बजे आप सबको पहुँचना है। यही अपील को लेकर मैं यहाँ भी पहुँचा। मेरा विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण का जन जागरण अभियान चालू है। मैं 25 तारीख को 17, इसके बाद 18 मई को शहडोल, और इस विषय में लगातार पूरी जगह में दौरा कर रहा हूँ और विंध्य का पुनर्निर्माण 23 और 24 के अंदर हम करा लेंगे, जिससे हमारे विंध्य के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, इसके लिए मैं अभियान चला। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे चल के? मांग पूरी हो जाएगी, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। हमारे प्रदेश में सरकार शिवराज जी की है, हमारे देश में सरकार मोदी जी अमित शाह जी की है, तो अटल जी के सपनों को अमित शाह जी और अटल जी पूरा करेंगे और विंध्य के लोगों का जो सपना है कि हमारा विंध्य हमें वापस लौटा दे, वो मिल जाएगा और विंध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर विंध्य, जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, तो विंध्य प्रदेश ही आत्मनिर्भर विंध्य और समृद्ध विंध्य बनेगा और विंध्य प्रदेश एकाध प्रदेश को गोद लेके उसका भी विकास करने की क्षमता रखता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से इस समूचे जो आपके दर्शक हैं उनसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 25 तारीख को स्वयमेव आप लोग स्टेडियम में उपस्थित हो और विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतना जिले में भी महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चूंकि सतना में भी 5 बसें ऐसी हैं जो कि महाराष्ट्र जाती हैं, इसलिए उन पर भी अब प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे निपटने के एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के जाने से वहां 100 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नागपुर से आने वाली बसों के परमिट भी निरस्त करने के निर्देश RTO को दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाली बसों पर 21 मार्च से 31 मार्च तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सतना से होकर 5 बसें नागपुर के लिए जाती हैं। एक बस हनुमना से सतना होकर नागपुर तो 4 बसें बांदा से चलकर सतना होते हुए नागपुर जाती हैं। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सतर्क और सावधान रहें। उन्होंने कहा कि वह नागपुर या दूसरे राज्यों के अन्य जिलों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करने की सलाह दें, साथ ही अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराएं। कलेक्टर ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से सतर्क रहें। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से COVID-19 के विरुद्ध वैक्सीनेशन जरूरी रूप से कराने की अपील की है। सतना जिले के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि महाराष्ट्र में कोविड का काफी विस्फोट हुआ है और महाराष्ट्र से कोविड अब मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर फैल गया है। इससे पहले कि हमारे जिले में फैले, सभी से मेरी अपील है कि विदेश से
महाराष्ट्र से, नागपुर से, इंदौर से, भोपाल से जो लोग आए उनको होम क्वारंटीन करने की सलाह दें, उनकी कंपल्सरीली टेस्टिंग कराएं। और साथ ही साथ होली का त्यौहार आने वाला है, हमने पूर्व में देखा है कि रक्षाबंधन के बाद, नवरात्रों के बाद कोविड के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं होली अपने परिवार के साथ मनाऊंगा, मेरा परिवार के साथ मैं मेरा त्यौहार मनाऊंगा। तो मेरा परिवार मेरा त्यौहार के तर्ज पे मेरी सभी से अपील है कि परिवार के साथ पर्व को मनाएं और निरोग रहें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए मेरी अपील है कि कल सतना जिले में 10,000 से अधिक, 10,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कहीं भी कोई खराब इफेक्ट इस तरह जो कि रिपोर्टेड नहीं है और बड़ी संख्या में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अतः शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, निर्भय होकर वैक्सीन लें। सतना के नगर निगम कमिश्नर ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि जिन केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, लोग स्वेच्छा से वहां पर जाएं, आयुष्मान कार्ड बनवाएं और सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ लें। सतना में नगर कमिश्नर तन्वी हुड्डा ने नगर निगम कार्यालय में आयुष्मान कार्ड तैयार कराए जाने से संबंधित समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नगर पालिका निगम अंतर्गत समस्त नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड-वार आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए कैंप का आयोजन शुरू किया है, जो कि 20 मार्च तक भवारी, रैन बसेरा, राजेंद्र नगर, खूटी स्कूल, कृपालपुर, अंबेडकर स्कूल, बजराहा टोला, कम्युनिटी हॉल, महादेवा स्कूल, बीटीआई कॉलेज और शासकीय अस्पताल रैन बसेरा में किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समस्त ग्राहक सेवा केंद्रों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सुविधा उपलब्ध है। नगर निगम आयुक्त ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि सभी नागरिक अपने परिजनों सहित केंद्रों में, वार्डों के कैंप में आधार कार्ड समग्र आईडी के साथ उपस्थित होकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। नमस्कार, मैं तन्वी हुड्डा, नगर निगम कमिश्नर सतना। यह सभी नगर वासियों को जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि हम 19 और 20 तारीख को 6 स्थानों पर रखेंगे। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे 35 CSCs हैं, जहाँ पे ये कार्ड्स की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है। जो स्थान है वो हमारे धवारी का रैन बसेरा है, उसी के साथ साथ राजेंद्र नगर में खूटी स्कूल है, कृपालपुर में एक कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे होगा, और बजरहा टोला है हमारा हॉस्पिटल है। साथ ही साथ में आप अपना समग्र आईडी और आधार कार्ड अवश्य लेके आए, और हम ये जो सूचना है इसको अपने ट्विटर हैंडल @SMCSatna पे भी साझा करेंगे, कृपया उसको फॉलो करें। सतना जिले के रामपुर तहसील में चलने वाली गौशाला को लेकर तमाम विवादित मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई गायों की मौत हो चुकी है और उन्हें चारा भी नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर सतना जिले के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। सतना जिले के रामपुर तहसील अंतर्गत महुरच में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसका अनुबंध लक्ष्मी स्व सहायता समूह से है, लेकिन पिछले एक साल से हजारों गाय भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। वर्तमान में भी कुछ गायें जान गंवा चुकी हैं। इसकी जानकारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष लवकेश सिंह दीक्षित के द्वारा कलेक्टर अजय कटेसरिया को सौंपी गई। इस पर कलेक्टर ने रामपुर अनुविभागीय अधिकारी को जाँच के लिए निर्देशित किया। इसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम गठित की गई और पशु चिकित्सकों ने, जांच दल ने ये प्रमाणित किया कि बिना किसी बीमारी के यहां गौशाला में गायें मर रही हैं। गायों के ईयर टैग का जब मिलान किया गया तो 33 गाय मृत या लापता पाई गई, जिसका जवाब ना तो लक्ष्मी स्व सहायता समूह ने दिया और ना ही व्यवस्थापक सरपंच ने। एक गौशाला से इस तरह से गायों का गायब होना या मृत होना गंभीर विषय है। ग्रामीणों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि गायों को भूसा नहीं दिया जाता और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और 10 से 15 दिन में गाय भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। ये खेल पिछले एक साल से जारी है। आरोप है कि सरपंच पति ग्रामीणों से हर गोवंश के नाम पर 500 रुपए लेकर गाय गौशाला में रख लेता है और फिर उन्हें भूसा चारा नहीं देता, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इधर उधर गौशाला के बाहर फेंक दिया जाता है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने कलेक्टर से दोषियों पर
शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सतना जिले में धर्मनगरी चित्रकूट को ड्राई जोन घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन जहाँ प्रतिबंध होता है, कहते हैं कि वहाँ शराब बड़े ही आसानी से मिल जाती है। कुछ ऐसा ही खुलासा दो शराबियों ने शराब के नशे में आने के बाद किया। आइए देखते हैं। कहते हैं कि शराब और शराबी कभी झूठ नहीं बोलता है। अंगूर की रानी हो या फिर महुआ की महारानी, जिस किसी के ऊपर सवार होती है तब फिर वह इंसान केवल और केवल सच ही बोलता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज उस समय देखने को मिला जब नया गांव थाना चित्रकूट डायल 100 टीम के सदस्य दो शराबियों को MLC करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामदा चित्रकूट पहुंचे। दोनों ही शराबी अर्जुन यादव पुत्र ललन यादव निवासी लोधन टिकुरा और सोमनाथ सिंह निवासी बल्लान अतर्रा जिला बांदा उत्तर प्रदेश नशे में टुन्न थे। जानकारी के अनुसार दोनों को थाना नया गांव के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा गया, जहां पर दोनों आपस में ही झगड़ा करते हुए पुलिस को भी गाली गलौज कर रहे थे। कौन कौन बेचता है दारू बताओ बताओ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान शराबियों से पूछे जाने पर कि शराब कहां से खरीद कर लाते हो, जिस पर अर्जुन यादव ने बताया कि चित्रकूट में शराब हर जगह गली कूचे तक में मिलती है और प्रशासनिक मिली भगत से बेची जाती है। पर्यटक बंगला के पास कल्लू पानवाला थाना नया गांव के पास पूरा खटकाना मोहल्ला अवैध शराब का व्यवसाय करता है। इसके अलावा नया गांव में ही राजकुमारी खटीक सुनील और बाबू पार्षद का पूरा परिवार शराब बेचता है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पास परिहार तो वहीं ग्राम कामता में लाला पटेल और लोधन टिकरा में प्रधान राजपूत और राजकरण राजपूत प्रशासन को हफ्ता देकर शराब का खुलेआम व्यवसाय कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो धर्म नगरी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर अवैध शराब का व्यवसाय न हो रहा हो। नया गांव चित्रकूट जहां थाना नया गांव के साथ ही SDOP कार्यालय नगर पंचायत कार्यालय और विधायक चित्रकूट का आवास स्थित है, वहां भी खुलेआम शराब मांस मछली के लिए सर्वाधिक मंडी लगती है। हाँ बताओ कौन कौन बेचता है? कल्लू पान वाला देता है। हाँ और नयागांव थाना ढाल के पास। हाँ और एक हाँ उसे बगल से जितना खटकाना दारू मुर्गा टोटल बेचता है। हाँ और राजकुमारी खटकिन। हाँ और प्लस सुनील। हाँ प्लस ये बाबू पार्षद। हाँ वो का पूरा पूरा परिवार बेचता है। अच्छा दारू बेचते हैं। हाँ अच्छा नयागांव आप चढ़ जाओ तो दारू का और कौन कौन ये यहाँ जानकी कुंड बता देने। अरे हाँ तुम थोड़ी डरते हो, जानकी कुंड में कौन कौन बेचता है? जानकी कुंड में नहीं परिहार फर्स्ट। अच्छा ग्रामोदय के पास। हाँ फटक से। यहाँ कामतन में? कामतन में अभी ये 3 महीने पहले लिया था, बेचता हूँ या ना बेचता। अच्छा 3 महीने पहले किससे लिया था? लाला से। लाला पान वाले से? लाला पटेल से। हाँ और कोई जानकारी में? मेरे लोधन टुकड़ा में प्रधान राजपूत। अच्छा प्रधान राजपूत बेचता है। राजकरण राजपूत ये सब बेचते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने इनामी 10,000 के इनामी दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके पास से कार भी बरामद की गई है। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुना बिरहा रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, मृतक का मोबाइल तथा पर्स और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दीपक सिंह और वीरेंद्र सोनी दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 22 उतैली थाना कोलगवा शामिल हैं। क्षेत्र में 16 मार्च को हुए एक ब्लाइंड मर्डर और कार लूट के केस में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बेसिकली 15 तारीख को एक टैक्सी हायर की गई थी दो आरोपियों के द्वारा और टैक्सी ड्राइवर को रामपुर बघेलान क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस चुनौतीपूर्ण केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर की कई टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा रामपुर बघेलान थाना प्रभारी अन्वेष की टीम भी लगातार काम कर रही थी। इन्फॉर्मेशन के आधार पर दो व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, ये दीपक सिंह उर्फ गोलू और वीरेंद्र उर्फ सोनी।
ये दोनों क्रिमिनल पूर्व में भी रीवा के चोरेटा थाना क्षेत्र में और कोटर थाना क्षेत्र में आरोपी रहे हैं। इन्होंने सुनियोजित तरीके से टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी को हायर किया और गाड़ी को लूटने के उद्देश्य से घटनास्थल ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद फरार हो गए। ये दोनों आरोपी बहुत साथे रहे, पहले भी अपराधी रहे हैं और इनको इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। घटना में जो गाड़ी लूटी गई थी स्विफ्ट कार, उसको बरामद कर लिया गया है। बाकी इसमें एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। कार कहाँ से बरामद की गई है और जो आरोपी हैं कहाँ के रहने वाले? ये सारे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स हैं। सीजर हो गया है, बाकी डिटेल्स हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है और काफ़ी साक्ष्य संकलन किया जाना है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। टैक्सी ड्राइवरों से मिली सूचना के आधार पर जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा गया। इन आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी बताए गए हैं। इन लोगों ने 15 तारीख को 50 वर्षीय सुशील कुमार उर्फ कल्लू वर्मन की टैक्सी बुक की थी और उसके बाद उनकी हत्या कर फरार हो गए थे। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और लगातार अपडेट बने रहिए। नमस्कार।